दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोगों को इन तीनों पॉइंटों के कनेक्शन करने हैं। आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तारों को देख के आप परेशान मत होइएगा, बहुत सिंपल कनेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को फिर से क्लियर कर देता हूँ, ये जो हमारे मेन लीड की वाइट कलर की जो तार है, ये मेन लीड की, इसमें दो तार निकली हुई हैं, आप देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों जो हमारे वाइट, ये जो ब्लैक कलर की वायर आई हुई है, इसमें से हमारे चार पॉइंट निकले हुए हैं जो कि हमारे मेन मोटर की है, जिसमें कि ब्लू है, वाइट है, ब्लैक है और रेड है। जो हमारे दो पीले कलर की वायर आई हुई है, ये हमारी स्विंग मोटर की है, जिससे कि हमारा जो है कि रोटेशन बनता रहता है, जो हमारी हवा का फ्लो है दाएँ बाएँ होता रहता है। अब बात कर लेते हैं जो हमारा चौथा है, वह हमारा है ब्लू कलर की दो वायर आए हुए हैं जो कि दोस्तों हमारी पंप की है। अब बात कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार से इसके कनेक्शन करने हैं। दोस्तों जो हमारा सबसे पहला मोटिव रहता है, वह हमारा रहता है कि मेन लीड से हमें सबसे पहले न्यूट्रल देना सभी को, यानी कि हम एक न्यूट्रल ले लेंगे, कोई भी वायर दोनों में से एक ले लेंगे, आप वाइट भी ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको खाली न्यूट्रल देना है सभी को, ठीक है। न्यूट्रल देने के लिए दोस्तों आप लोगों के पास एक रेड कलर की तार ले सकते हैं, यहाँ पर रेड कलर की जैसे कि मैंने तार ले ली है। अब इसमें से हम सबसे पहले एक लेंगे स्विंग की वायर, जैसे कि हमने ले रखी है एक पीली कलर की वायर ले रखी है यहाँ पर, जो हमारे को स्विंग को भी एक न्यूट्रल मिल जाएगा। अब एक ब्लू ले लेते हैं, जैसे कि हमारे ब्लू कलर की वायर को भी, यानी कि पंप को भी हमें एक न्यूट्रल मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें देना है एक मोटर को, जो हमारी मेन मोटर है उसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो हमने भी उसमें से एक ब्लू कलर की वायर ले ली है, जो कि हम देख पा रहे हैं जो हमारे ब्लैक वाली वायर से आ रहा है उसमें भी हमें एक ब्लू को जॉइंट कर दिया है हमारी रेड वाली तार से। तो दोस्तों यहाँ पर हमें चारों के कनेक्शन एक साथ करके यहाँ पर हम टेपिंग कर सकते हैं। टेपिंग करने के बाद दोस्तों हमें सभी को न्यूट्रल मिल चुका है, अब सभी को हमें कनेक्शन देना है, किस प्रकार से हम उसको फेस देंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा मेन मोटिव है ये रहेगा कि हमें मेन मोटर में तीन स्पीड देना है, यानी कि ऑफ, हाई और लो। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। और जो हमारा दूसरा है वह हमारा पंप का है, और तीसरा जो हमारा है वह स्विंग का है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि हमें सभी पॉइंटों में फेस देना है, तो दोस्तों हमने यहाँ से एक वायर लिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमने यहाँ पर दिया है, उसके बाद यहाँ से हमने तीसरे पॉइंट पे भी एक वायर जोड़ दिया है, जिससे कि हमें तीनों पॉइंटों पर फेस मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें फेस देने के लिए हमें मेन लीड से एक वायर लेनी थी, जो कि हमने ले ली है वाइट कलर की, जो कि हमने यहाँ पर लगा दी है अच्छे तरीके से। अब इससे कि हमारे को तीनों पॉइंटों पर फेस मिल जाएगा, हमने यहाँ पर एक न्यूट्रल दे दिया है यहाँ पर, और दूसरा हमने यहाँ पर तीनों पॉइंटों पर फेस दे दिया है। अब दोस्तों इसको हमें कनेक्शन इस प्रकार से करना है। दोस्तों जो हमारी स्विंग की वायर है उसमें देख रहे हैं दोस्तों, आप आमने सामने दो तारों को ऐसे जोड़ रखा है, जिससे कि हमारा जो स्विंग का जो मेन मोटिव है कि ऑन ऑफ का रहता है, यहाँ पर ऑन और ऑफ का ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसलिए हमें इसको आमने सामने दे रखा है ताकि ये ऑन ऑफ के लिए बेहतर साबित हो सके। अब जो दूसरा हमारा पंप का है, उसी प्रकार से हमने पंप में भी ऐसे ही दे रखा है, आमने सामने दे रखा है, और यहाँ पर हमने ब्लू कलर का जो हमारा मेन जो कि हमारा पंप आ रहा है, पंप की एक वायर यहाँ पर हमने दे रखी है, जिससे कि हमारा ऑन ऑफ का सिस्टम हो जाएगा। दोस्तों जब हमारा यहाँ पर मेन मोटर का कनेक्शन है, जो हमारा ये पॉइंट है, इसमें हमारे जो तीन तारें बसती हैं, वे हमारी एक है रेड कलर की है, एक हमारी वाइट कलर की, ब्लैक कलर की है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारा जो ब्लू कलर का वायर तीनों फैला हुआ है, यहाँ पर हमारे को फेस मिल चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं हाई है, यानी कि जो हमारी रेड कलर की तार होती है वह हमारी हाई के लिए होती है। यह आपको हमेशा याद रखनी है, हमारी जो रेड कलर की तार होती है वह हाई पोजिशन के लिए होती है। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी चुकेंगे तो दोस्तों आपकी मोटर भी फूक सकती है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लें। जो हमारा दूसरा वायर होता है जो वाइट कलर का होता है दोस्तों, उसमें आप लोगों को ऑफ के लिए यूज़ करना है दोस्तों, जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा वायर है जो हमारा ब्लैक कलर का है, इसको हमें लो के लिए यूज़ करना है, ठीक है, लो के लिए हमारा यूज़ होगा। और उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, जो आप लोगों को मैं पहले क्लियर करते आ रहा हूँ कि जो हमारा ब्लू कलर का वायर है, तीनों तरफ मैंने फैला रखा है, वह हमारा है फेस का तार। तो दोस्तों इस बात से आप ध्यान से कर सकते हैं कि जो हमारा रेड कलर का हाई के लिए है, वाइट हमारा ऑफ के लिए हो जाता है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है ब्लैक के लिए, वो हमारा लो के लिए होता है। इसलिए ब्लैक और रेड को आमने सामने हमेशा रखते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कैसे आप इस कूलर के कनेक्शन कर सकते हैं तीनों बटनों के आसानी से, जो कि आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर से पूछें, मैं उसका जल्द से रिप्लाई करूँगा। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को क्लिक जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।